नमस्कार आसतु संपूर्ण खबर पर नजर पकाइबा। कोरापुट जिला कोटपाड़ ब्लॉक चित्रा पंचायत कुर्माकोट गांव में वज्रपात एथिरे जनकर मृत्यु होता बेले चारिजण गुरुतर आहत होती। मृत व्यक्ति जनक 25 वर्ष कमल हरिजन से भली गांव पदलाम बिंधाणी धनपति भूमिया लक्ष्मण भूमिया और महिपाल भूमिया गुरुतर होती। गुरुतर चारिजण को जयपुर और कोरापुट मेडिकल भर्ती करबू कर्माकोट को गाई चराइवाई जाते अपराह दुईटा बेले कालबैशाखी वर्षा और वज्रपात होता। सरी स्नान यात्रा अत्यधिक स्नान जो असुस्थ हो पड़ते श्रीजीव अणसर घरे चली गुप्त उपचार 14 दिन धरी दैतापति सेवक मान द्वारा उपचार एवं सेवा शुश्रूषा पाइबे चतुर्धा मूर्ति आउ अणसर पिंडी आगे आरंभ हो पतिदियों पूजा श्रीमंदिर पतिदियों दर्शन चली। सेपटे विधि अनुसार अनवसर समय ब्रह्मगिरी प्रभु अलारनाथ को दर्शन करती श्रद्धा एथपाई पीठ से भिड़ खीरी भोग को ठाकुर को अर्पण कर श्रद्धा सुभद्रा सुदर्शन चतुर्धा मूर्ति स्नान मंडप शहे आठ जल से स्नान कर जल से अच्छा महाप्रभु अणसर पिंडी विजय कर आज ठारू महाप्रभु अलारनाथ पाखे आज जगन्नाथ प्रेमी भक्त मैंने जगन्नाथ दर्शन रू वंचित ही ये लक्ष लक्ष श्रद्धा भक्त आसिक राति तीन टू क्यूरे अच्छा जाऊ शांति श्रृंखला वर्तमान आम दर्शन कर ये भगवान की लीला है कि ये जो है भगवान जी एक जीवित भगवान एक तरह से जिनको बुखार आता है और वो भोग लगाते हैं तो यहाँ आगे बहुत अच्छा लगा बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर तो उसके लिए ठाकुर जी की बड़ी कृपा है जो हमें दोनों दर्शन हुए हैं। मंदिर पर हम पहुँचे थे तो वहीं बताया था कि यहाँ 15 दिन यहाँ दर्शन होंगे भगवान के बुखार हो गया है भगवान को तो इसलिए भगवान विश्राम पर हैं अब यहाँ दर्शन देंगे 15 दिन भगवान अच्छा लगा दर्शन व्यवस्था भी अच्छी है सब कुछ अच्छा है भगवान के भी दर्शन अच्छे हो गए अच्छे तरीके को दृष्टि रखी अलारनाथ सेवायत निजोग पक्षर नीतिकांति श्रृंखलित करने दर्शन स्वतंत्र व्यवस्था ग्रहण कर 6 प्लाटून फोर्स मुतयन कर महिला होमगार्ड को मुतयन कर अनवसर जो भगवान चैतन्य महाप्रभु अनवसर रोचे भगवान दर्शन देना से शून्यवाणी करुँचे हे चैतन्य तुम्हें जय मरे संप्रदाय आलार संप्रदाय आलारनाथ स्वयं चतुर्धामूर्ति नारायण अच्छा तुम्हें जाए दर्शन कर जेकि जगन्नाथ बलदेव बलभद्र चक्र सुदर्शन रूप से अवस्थान कर सबू भक्त मैंने शांति श्रृंखला दर्शन करें सबू भक्त मान को धन्यवाद देवु सेवायत मैंने जो अच्छे बहुत बहुत धन्यवाद देवु आपस्त को बहुत बहुत धन्यवाद देवु आज हमरा अलारनाथ मंदिर रे दर्शन आरंभ हमरा प्रॉपर फोर्स डिप्लॉयमेंट सफिशिएंट ऑफिसर्स एडिशनल एसपी एसडीपीओ अणवसर यात्रा ब्रह्मगिरी रे आरंभ होता बेले मंदिर भितर अलारनाथ श्रृंखलित दर्शन कर स्वतंत्र व्यवस्था पुरी अक्षय मिश्र न्यूज 18 ओडिया। आठगड़ जयपुर जंगल में गुड़बिद्ध दंतार मृत्यु को नहीं चिंता प्रकट करते केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान आउ धर्मेन्द्र प्रधान को ट्वीट पर हाथी मृत्यु घटना रे रिपोर्ट तलब सहित शिकारी विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान नेबापाई निर्देश देते केन्द्रमंत्री भूपेन्द्र यादव धर्मेन्द्र कहते दीर्घ वर्ष धरी राज्य में बढ़ुवा हाथी मृत्यु घटना उद्वेगजनक निकट अतीत कटक जिले में गुड़बिद्ध हाथी मृत्यु वन्यप्राणी और प्रकृति प्रेमी को दुख दे हाथी सुरक्षापी समयोगी पदक्षेप ने दरकार राज्य सरकार अविलंबे वन्यप्राणी सुरक्षापी पदक्षेप ने सहित शिकारी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ने नितांत आवश्यक बोली ट्वीट करिछंती केन्द्रमंत्री। कालीठारु हिमाचल प्रदेश में मुख्य शासन सचिव सम्मिलनी सम्मिलन में शिक्षा कृषि और सहरांचल प्रशासन भली प्रसंग स्थान पाइब प्रधानमंत्री सम्मिलनी को संबोधन करिबारो कार्यक्रम रही मुख्य शासन सचिव सुरेश चंद्र महापात्र नेतृत्व में केतेक विभागीय प्रमुख सचिव सम्मिलनी में जोगदेवे प्रथम थर पर यह सम्मिलनी आयोजन होगाक जाता बेले यहाद्वारा सारा देश में व्यवस्था समानता आसिबो बोली कहा जून 16 और 17 रे हिमाचल प्रदेश धर्मशाला हेब मुख्य शासन सचिव सम्मिलनी प्रधानमंत्री सम्मिलनी को संबोधित करेंगे सम्मिलन रे स्थान पाइब शिक्षा कृषि और सहरांचल प्रशासन भली प्रसंग ओडिशारु मुख्य शासन सचिव नेतृत्व में कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग स्कूल और गणशिक्षा विभाग गृह और नगर उन्नयन विभाग प्रमुख सचिव जोगदेवार कार्यक्रम रही सम्मिलन में केन्द्र और राज्य मध्य समन्वय रक्षा उपर गुरुत्व दिजिव केन्द्र और राज्य मध्य विभिन्न प्रसंग को नहीं उपजुवा समस्या समाधान उपर आलोचना होब
सबु राज्य मध्यरे समानता आणिबा सह केन्द्रीय योजना को राज्य रे सफल रूपायन दिगरे सम्मिलनी सहायक हेबो बोली कहिसंती पूर्वतन मुख्य शासन सचिव समता आणिया पई फोर्स करिया पई नै जे मु इहा को जिया करता नै ए जिंस करिया उचित तेणु तुम भितर देश प्रदेश भितर जो आंगुलाटी थी अटके खाल ढीप सामान कर ओडिशार लोक मध्य महाराष्ट्र जमी पाँच सेमती ओडिशा लोक पाइबा उचित कथबार्ता ये कथबार्तार गोटे उद्देश्य हूँ कौन तुम सब असुविधा सुविधा अच्छी जनाओ देशर अभिवृद्धि केन्द्र और राज्यर उत्तम संपर्क जरूरी केन्द्र सरकार लक्ष्य पूरण दिगरे राज्यर सहयोग भी आवश्यक ए सबु क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी रही गुरुत्वपूर्ण भूमिका एभली सम्मिलनी राज्य और केन्द्र में संपर्क दृढ़ीभूत करने देशर अभिवृद्धि सहायक हो समीक्षक केन्द्रीय स्कीम हूँ केन्द्रीय कार्यक्रम होगा जातीय नीति स्थिर हो घटन लक्ष्य या आम 5 ट्रिलियन इकोनोमी करवा जहाँ कार्यकारी हम जेको जिनस राज्य मान करेंगे और राज्य मान करेंगे राज्यर मुख्य शासन सचिव होती गुरुत्वपूर्ण ब्यूरोक्रेसीटा को चलने तेणु जातीय लक्ष्य को गोटे हासिल करने राज्य स्तर में प्रशासनिक दल को से ढांचारे तैयारी करने से समन्वय हासिल करेंगे देश और राज्यर विभिन्न गुरुत्वपूर्ण प्रसंग आलोचना प्रशासनिक अधिकारी एभली सम्मिलनी प्रथम बोली कहुच्छे भुवनेश्वर कैमरामैन चित्तन स्वाई अजेश मल्लिक न्यूज 18 ओडिया दिने दुई दिन में ओडिशा छुईब दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु मौसुमी आसवापी पाग अनुकूल रही आंचलिक पापाग विज्ञान केन्द्र वर्तमान राज्यर विभिन्न स्थान में प्राक मौसुमी वर्षा जारी रही आसंता 5 दिन जाए कालबैशाखी वर्षा और वज्रपात संभावना थिबारु विभिन्न जिला को जारी होई येलो वार्निंग सेपटे पाग परिवर्तन होउथिबारु तापमात्रा मध्य सामान्य ह्रास पाई बाट फिटिला आसिब मौसुमी 24 घंटे छुईब ओडिशा लुचकाली भितरे शेषे राज्य में प्रवेश कर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु एबे विभिन्न स्थान रे प्राक मौसुमी वर्षा लागी रही छि उत्तर आंध्र प्रदेश हैदराबाद रे मौसुमी वर्षा आरंभ हो जाय छि फल रे ओडिशा आसीबा नै मौसुमी रो पथ परिष्कार होई छि बोली कहू छि पानीपाग विभाग 24 घंटा रे आसीबो हेले सक्रिय रहिबो कि दुर्बल होई जिवो ताहा मौसुमी आसीबा पर ही चित्र स्पष्ट हेबो गतकाली हैदराबाद जोटा कि पाखापाखी अंचल रही से अंचल को मौसुमी वर्तमान सक्रिय रही छड़ा आमर जो देखा वेस्ट बेंगल जो पश्चिमबंग अंचल प्राक मौसुमी वर्षा होती गतकाली जो वर्षा अनुभूत हो देखा कटक आठगढ़ ठारे सर्वाधिक वर्षा 62 मिलीमीटर ताछड़ा मयूरभंज ठाकुरमुंडा ठारे 69.6 वर्तमान थंडरस्टॉर्म एक्टिविटीज टिके बढ़ी जाइछि आ लागुछि जो ऑफिशियल ऑनसेट 24 घंटा रे कि 36 घंटा भीतर ही जोर बहुत संभावना रहउछि वर्षा कंटिन्यू कर भल वर्षा कंटिन्यू कर जून 30 तारीख पर्यंत बहुत संभावना अच्छी एपटे कालबैशाखी वर्षा और वज्रपात आसंता 5 दिन जाए विभिन्न जिला को येलो वार्निंग जारी कर आसंता 24 घंटा रे केन्दुझर मयूरभंज बालेश्वर जाजपुर और भद्रक जिले में घड़घड़ी सह वर्षा होबार संभावना रही एहासह घंटा प्रति 30-40 किलोमीटर बेगरे पवन बहिबार आशंका मध्य रही गत 24 घंटा रे आठगड़ रे सर्वाधिक 62 मिलीमीटर ठाकुरमुंडा रे 69 मिलीमीटर और बालेश्वर रे 50 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड होई नेक्स्ट 24 आवर्स में मेनी प्लेसेस में बारिश साउथ इंटू ओडिशा का मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में गजपति गंजाम में और बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी कुछ कुछ स्थानों पर थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी का साथ बारिश होने का चांसेस है थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग एक्टिविटी मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट में नेक्स्ट 24 आवर्स में होने का चांसेस है प्राक मौसुमी वर्षा पाई पागरे परिवर्तन आसी तापमात्रा सामान्य ह्रास पाई भुवनेश्वर रु कैमरामैन सुश्री सुलोचना शुभलक्ष्मी बल न्यूज 18 ओडिया ब्रेक पर स्वागत रज संक्रांति बा रज मौजर द्वितीय दिन एथिपाई चलचंचल होइथिला रेशम सहर ब्रह्मपुर घरे घरे रज पालन होइथिबा बेले बिजु पटनायक पार्क रे देखिबा पाई मिलिथिला सुंदर दृश्य दृष्टिबाधित छात्री माने खेलिथिले दोली पादरे अलता हातरे मेहंदी सहित नुआ ड्रेस पिंधि सजबाज होई रज मौज करिछंती पिलांकु ए खुशी देइथिला ओडिशा सर्विस सेंटर फॉर द ब्लाइंड
ମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସତ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଭଳି ତାଙ୍କର ବି ଭାବନା ଅଛି, ଜୀବନ ଜୀଇଁବାକୁ ଇଚ୍ଛା ବି ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସେମାନେ ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ରଜ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ଥିତ ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଦ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାର୍କରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା ରଜ ଉତ୍ସବ। ପାଦରେ ଅଳତା, ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଓ ନୂଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ସେମାନେ ସଜେଇ ହୋଇଥିଲେ। ପାର୍କରେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ସହ ନାଚି ଗାଇ ମଉଜ କରିଛନ୍ତି। ରଜ ପର୍ବ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାଉ, କିନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ହେଇଗଲା ଆମେ ରଜ ପାଳନ କରିପାରୁନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯାହା ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଖୁସି ଲାଗିଲା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି, ମେହେନ୍ଦି ପକାଇକି, ଅଳତା ଲଗାଇକି ସବୁ ମଜା କଲୁ। ଦୋଳି ଖେଳିଛୁ, ଖସଡ଼ାରେ ଖସିଛୁ, ବୋଟିଂ କରିଛୁ। ସବୁଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ, ଅନୁଭବ କରୁ। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଓଡ଼ିଶା ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ଦ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଏଭଳି ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆଗକୁ ବି ଏପରି ରଜ ମଉଜ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆୟୋଜକ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସମ୍ପାଦକ। ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ, ପୂର୍ବତନ ବିଡିଓ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ମହାରଣା। ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରଜ ଉତ୍ସବର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଦେବା ସହ ରଜ ମଉଜରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଦୋଳି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ପିଠା ପଣାର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟ ରହି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଉଛୁ। ଏମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଗହଣରେ ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଦିନ, ଏବଂ ମୁଁ ଅତି ଗର୍ବ ମନେ କରୁଛି ଏବଂ ନିଜକୁ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଏଇଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ମୁଁ ଆଜି ରଜ ଉତ୍ସବ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ପାଳନ କଲି। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ଦରକାର, ସେମାନେ ଯେମିତି ପାଠ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ନାଗରିକ ହେବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ସମାଜ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରତି ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କାମଧନ୍ଦା ପାଇବେ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ କରିବେ, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ବିଚାର କରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ପିଲାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ ଗୋଟିଏ ଥର ଏଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ କୈଳାସ ବେହେରା, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ନୋଡିଆ। ସେପଟେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ଉପରଡିହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ। କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ବନ୍ଦ ଥିବା ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଏ ବର୍ଷ ଧୁମଧାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଛୋଟ ପିଲାଠାରୁ ବଡ଼ ଯାଏଁ ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦୋଳି ପକାଯାଇଛି। 14 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମହୋତ୍ସବକୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରାଯାଉଛି। ପରିଶେଷରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପୁରସ୍କୃତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏଠାରେ ଦୋଳି ଖେଳର ମଜା ଉଠାଇବା ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆନନ୍ଦ ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର 5-6 ପ୍ରକାର ଦୋଳି ହେଉଛି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଇ ଦୋଳି, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ରାମଦୋଳି ଭଳିଆ ବୁଲେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଚକ୍ରି ଦୋଳି ଅଛି, ଆଉ ପଟା ଦୋଳି ଅଛି। ତା'ପରେ ଆମର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଏଠି ରଜପାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପିଠା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଉପରଡିହା ତ ବହୁତ ଫେମସ୍ ଅଛି, ବହୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, 10-12 ବର୍ଷର ତାର ହେଲାଣି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଉ ଏଠି କେତେ କେତେ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, କେତେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ବି ଗୀତ ଫିତ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଛୁଆମାନେ ଗୀତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବହୁତ ବହୁତ ଗୋଟେ ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ବହୁତ ମଜା କରୁଛୁ ଉପରଡିହାରେ। ମୋ ମାମୁଁ ଘର ଘଟଣାରେ ତ ମୁଁ ଏଇଠି ଉପରଡିହା ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛି, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ରଜ ଉତ୍ସବରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାଗମରା ରଜ ମହୋତ୍ସବ କମିଟି। ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା, ସମାଜସେବା ତଥା ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅବସରରେ ସାଂସଦ କହିଥିଲେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବୁ, ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଦରକାର। ଓପନ୍ ଜିମ୍ ପାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଜ ସାଂସଦ ପାଣ୍ଠିରୁ ଦେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ବିକାଶ କରାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଥିରେ ନେଇ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପରାଜିତା ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ଜାଗମରା ସ୍ଥିତ କେସିଏ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଠାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 3 ଦିନ ଧରି ରଜ ମହୋତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଜୟଦୁର୍ଗା କ୍ରିକେଟ କ୍ଲବ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଜନସମାଗମ ହେଇଛି। ଏହାପରେ ଦେଖିବେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ, ଆମ କ୍ଲବର ପିଲାମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ରଜ ମହୋତ୍ସବକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ କରିବାକୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। 3 ଦିନ ଅଛି ଆମର ମଞ୍ଚ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି, ଆଉ ବାକି ମୀନା ବଜାର ରହିବ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
समस्त आसी पारिबे मीना बाजार एन्जॉय करि पारिबे दोली लागिछि दोली खेली पारिबे। हॉकी परे फुटबॉल भुवनेश्वर खेल फिफा अंडर 17 महिला विश्वकप कलिंग स्टेडियम रे खेल 6 मैच फिफा 17 वर्षरु कम महिला विश्वकप अक्टोबर 11 तारीख रु आरंभ हेबो। भारत रे भुवनेश्वर गोवा एवं मुंबई रे हेबो मैच। अक्टोबर रे खेल विश्वकप मैच रु भुवनेश्वर रे 11 14 एवं 17 तारीख रे 6 मैच खेल प्रतिदिन 2 लेखाएं मैच खेल प्रतिदिन गोटे मैच भारत थे अन्य एक मैच विदेशी दल खेल अक्टोबर 18 सुधा समस्त ग्रुप टीम मैच शेष हो अक्टोबर 30 रे फाइनल मैच खेल प्रतियोगिता रे भारत ग्रुप ए रे स्थान पाई 2020 रे 17 वर्षर कम महिला फुटबॉल विश्वकप भारत में आयोजन होबार थिला एथिरे भुवनेश्वर अन्यतम आयोजक सहर रही थिला हेले कोरोना महामारी जो याकु बातिल करा जायथिला। पश्चिम ओडिशार अनन्य पर्यटन स्थल मानक भितर नुआपड़ा जिलार पातालगंगा हेउछि अन्यतम। पातालगंगा तीर्थक्षेत्र में पौराणिक किंवदंती सहित प्राकृतिक कीर्तिराजि भरपूर रही हेले पर्यटन विभाग किंबा स्थानीय प्रशासन आंतरिकता अभाव नुआपड़ा जिलार पातालगंगा क्षेत्र दिनकु दिन तार अस्तित्व हराउथिबा अभियोग होईछि। नुआपड़ा जिलार शेष सीमांत तथा छत्तीसगढ़ को लागि रहिछि बहु पुरातन तीर्थक्षेत्र पातालगंगा। लोककथार विश्वास कराए त्रेता जुगरे प्रभु रामचंद्र भ्राता लक्ष्मण और देवी सीता बनवास काल पातालगंगा अरण्य तथा गुरुनगर को आसीथिले। देवी सीता शोष दूर करने को भूईरे लक्ष्मण तीरनिक्षेप कर जलधारा सृष्टि करते वर्ष वर्ष धरी से ही जलधारा प्रवाहित होती दूर दूरांतर भक्त माने तथा पर्यटक माने यार प्राकृतिक सौंदर्य उपभोग करने आसती जंगल भितर एठारे रहणी कौनसी पांथनिवास ना मंदिर गुड़िक जराजीर्ण अवस्था यह पर्यटकों मध्य असंतोष देखा मिली इन्हें सीता माता के पानी दरकार थिला जे से मने लक्ष्मण भाई के कहला जे देख भाई पैन बाहर कर सर विध कर पानी बाहर कर बोल कहला गया सेने सर मारिथिला और सेनर पैन नहीं करी गोटे मणी जीवार तार मानसिक करवा बोले से मानसिक उपरे तार पूरण हवा बोल कर विश्वास अच्छे यहाँ गोटे एत हजार हजार वर्ष ऐतिहासिक पीठस्थल मैंने तार कौन सी जत्न ना कि तार विकास करने मानने कौन है सरकार आंतरिकता रुना गोडेन ब्लक पातालगंगा कहीं के अलेख धर्मावलंबी रही आसार जोड़ी जगन्नाथ मंदिर महामृत्युंजय शिव मंदिर राधाकृष्ण मंदिर व्यतीत राम लक्ष्मण और देवी सीता पथर में पादचिह कहुए प्रतिवर्ष वैशाख मासरे तीन दिन पातालगंगा मेला होता श्रावण मासरे राज्य तथा राज्य बाहर बहु संख्यार बोलबम भक्त एटाकू महादेव को जलाभिषेक करने को आसी था प्रशासन पातालगंगा क्षेत्र प्रति ध्यान देवाक पर्यटक दावी कर विकास तो ये बहुत दूर दूर तर कि देखा जाऊनि मैंने एत बड़ सुंदर मानने प्राकृतिक सौंदर्य भरपूर हेले एठे गवर्नमेंट कौन सी मान डेवलप करिवार कौन सी उद्यम एठे किसी देखा जाए ना आईटा गोटे पिकनिक स्पॉट ही था जदि गवर्नमेंट तापर टी नजर देकर किसी गोटे करते बहुत बढ़िया लगे ये आउ से कहवा कथा से जहाँ चित्र अच्छी सबको गवर्नमेंट नजर रखिक गोटे सुरक्षा रखा पातालगंगा क्षेत्र प्रति राज्य पर्यटन विभाग दृष्टि दे प्रतिवर्ष आहुरी अनेक पर्यटकों यह आकर्षित करता अति कम्रे एठारे गोटे पांथनिवास करने को दावी हो नुआपड़ा जिला पातालगंगा तीर्थक्षेत्र विजय कुमार सहिस न्यूज 18 ओडिया। किडनी नेउछि जीवन 5 वर्ष रे गलानी 10-15 जीवन एबे 30 जन जीवन सहित संग्राम करुछंती। किडनी आतंक रे भयभीत ग्रामवासी पाई काल बनी नलकूपर फ्लोराइड युक्त पानी 10 वर्ष धरी एभली दुखद जीवन काटुछंती गाइसिलट ब्लॉक कठौमाल पंचायत सिमेलगुड़िया गाँ लोके गाँ को स्वच्छ पानी जल नहीं बीजेपुर उपनिर्वाचन बेले प्रतिश्रुति मिली हेले आज जाए ता प्रतिश्रुति ही रही देखंतु ए विजुअल ए हेउछि बरगढ़ जिला शेष सीमार जंगल पहाड़ घेरा गाइसिलट ब्लॉक कठौमाल पंचायत सेमेलगुड़िया गाँ गोटे वार्ड विशिष्ट गाँव में बास करती 269 जन पुरुष 233 जन महिला गाँव में रही 5 ऊर्ध नलकूप समस्त नलकूपर बाहर फ्लोराइड मिश्रित पानी
କିଛି ନଳକୂପ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦଶ ବର୍ଷ ଧରି ଗାଁ ଲୋକେ ଏହି ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରି କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ହରାଉଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାନ୍ତ କଳା ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଗାଁରେ ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 10-15 ଜଣ ଲୋକ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ହରାଇଲେଣି। ଏବେ ଗାଁରେ 30ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ କିଡ୍ନୀ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଗାଁର ପାଣିର ଅଭାବରୁ ଆମର ଗାଁ ଲୋକେ ବହୁତ କିଡ୍ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛେ। ଆମେ ବାଲି ଚୁଆଁ କୁଡ଼ି କରି ପାଣି ଖାଉଛୁଁ। ପାଣି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ପାଣି ବି ଭଲ ନାହିଁ। ଆମର ଫ୍ଲଡ୍ ବାହାରୁଛେ। ଆମର ଗାଁ ଲୋକ କେତେ ଲୋକ ମରିଗଲେଣି, 2-4 ଲୋକ। ଏବେ ବି 15-16 ଲୋକେ ହେଇଛେ କିଡ୍ନୀ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ମୋତେ କିଡ୍ନୀ ବେମାର ହେଇଗଲାନ 2.5-3 ମାସ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ପାଣି ଯୋଗରୁ ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ଅସୁବିଧାରୁ ଆମର ବେମାର ସବୁ ଗୁଡ଼ୁଛେ। ଆମର ଗାଁରେ ହେନ୍ତା 25-30 ଜଣ ହେଇଗଲୁନ ଆଜ୍ଞା, ବାକି ମରବାର ଉପରେ ଆମେ ରହିଲୁନ। ବାକି ଆମକୁ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଉଷୋ କଷା ପାଣି କାଇଁ ଟିକେ ଯୋଗ ଆଜ୍ଞା। ଜଳ ପାଲଟିଛି ଜହର, ଦିନେ କି ମାସେ ନୁହେଁ। 10 ବର୍ଷ ଧରି ସେମିଲଗୁଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମବାସୀ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ପିଇ ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ନଳକୂପ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଜଳ ଓ ପରିମଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉନାହିଁ। ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଟ୍ୟାଙ୍କର ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ସହ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ଦ୍ୱାରା ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରାଇବା ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୀତା ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ନଳକୂପ ଅଛି, ସେ ନଳକୂପରେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ଯୁକ୍ତ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଆଉ ସେ ପାଣିକି ପିଇକିରି ପ୍ରାୟ 15 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତୁରନ୍ତ ସରକାର ଏ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଫ୍ରିରେ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୟଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ।